28 जून स्वीडेन राजधानी स्टॉकहोम मुख्य मस्जिद सम्मुखे 37 वर्षीय सलमान मोमिका नामक जड़े युवक कुरान निया लगे। घटना को पूरा दुनिया रे निंदा करा जायथिला। सलमान मोमिका इराक्र अधिवासी अटंती, जे कि 5 वर्ष पूर्वे इराक्रु पलायसी स्वीडेन रे रहउछंती। सलमान मोमिका अभिव्यक्ति रे आजादी आसीबा दरकार बोली कहि कुरान जळाइबा पई दाबी करथिले। एपरिकि कुरान जळाइबा पई तांकु स्वीडेन रु अनुमति मध्य मिलिथिला। वर्तमान कुरान जळाइबार अनुमति देबा स्वीडेन को भारी पड़िछि। मुस्लिम देशर सबुठु बड़ संगठन ओआईसी एक आपातकालीन बैठक डकाइथिले। आउ एही बैठक रे स्वीडेन खिलाफ रे कड़ा कार्यानुष्ठान नेबा पई दाबी करा जायछि। तबे मामला बढ़ुथिबार देखि स्वीडेन सरकार मध्य एही घटनार कड़ा निंदा करुथिबा देखिबा को मिलिछि। जहां भी करा जाउना काहेकि स्वीडेन चिंता आउ किंतु कमी बना ही। मुसलमान देश समूह स्वीडेन पछरे जोको परी लागि जाइछंती। ओआईसी बैठक रे साउदी अरब, संयुक्त अरब, पाकिस्तान, इराक, ईरान, कुवैत समेत समस्त मुसलमान देश स्वीडेन को मजा चखाइबा कथा कहिछंती। मोराको एभली निंदनीय घटना को विरोध करबा सहित निज राजदूत को अनिश्चित काल पर्यंत स्वीडेन नु फेरी आसीबा पई कहिछंती। एही घटना विरुद्ध रे इराक स्वीडेन रे नूतन राजदूत को पठाइबा पई मध्य मना करि देछि। साउदी अरब मध्य स्वीडेन नु राजदूत को फेरी आसीबा लागि अनुमति देछंती। एहा कुने इराक मध्य निज बयान जारी करछि। कुरान जळाइथिबा युवक जनक इराक रही अधिवासी रहिथिले। इराक दाबी करछि कि सलमान मोमिका किछि वर्ष पूर्वे इराक छाड़ी स्वीडेन रे बसवास करुछंती। सलमान मोमिका पाखरे एबे भी इराक रो नागरिकत्व रहिछि। समस्त नागरिकत्व प्रमाणपत्र इराक को से फेराइ दियंतु बोली दाबी करिछंती इराक रो सरकार, जहां फलरे व्यक्ति को दंड दिया जाय पारिबो। तबे मुसलमान संप्रदाय रे किपरि दंड दिया जाय ताहा तो आपण माने बेस भल भाव रे ही जानिथिबे। ओआईसी आपातकालीन बैठक जारी करी कहिछंती कि एभली परिस्थिति रे ओआईसी रो समस्त सदस्य देश एकजुट हेबा आवश्यक, जहां फलरे कुरान जळाउथबा देश कुरान रो पावर विषय रे जानि परिबे। ओआईसी कहचंती कि एभली देश को रोकिबा अत्यंत जरूरी अटे। तबे आपण मानको जणाइ देबा को चाहिबो कि स्वीडेन व्यतीत डेनमार्क रे भी कुरान जळाइबा भली मामला सामना को आसीथिला। एही हिंसाकांड किपरि आरंभ होइथिला आसंतु थरे ता उपरे नजर पकाइबा। तुर्की खिलाफ रे विरोध प्रदर्शन करिबा पई सलमान मोमिका स्टॉकहोम रे कुरान जळाइबा पई अनुमति मागिथिले। स्वीडेन रो पुलिस किंतु तांकू अनुमति देइ नथिले। आउ एहा परे सलमान मोमिका स्वीडेन रो कोर्ट रे पहुंचिथिले। स्वीडेन रो कोर्ट व्यक्तिंकु अभिव्यक्ति रे आजादी रहिबा दरकार बोली कहि कुरान जळाइबा पई अनुमति देइथिले। आउ ता परठारु प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक जळाइबा परंपरा आरंभ हो जाइछि। एही परंपरा रूपी हिंसाकांड केवल स्वीडेन रे नुहे डेनमार्क रे मध्य देखिबा को मिलिछि। स्वीडेन सरकार सलमान मोमिका को गिरफ करिछंती सत, किंतु एही मामला एते शीघ्र थंडा हेबो नाही बोली अनुमान करा जाउछि। एही मामला आउ केउ केउ देश को व्यापुछि एवं मुसलमान राष्ट्र समूह एभली घटना विरुद्ध रे की पदक्षेप नेउछंती ताहा देखिबा को बाकी रहिला। ब्यूरो रिपोर्ट, DTV ओडिया। जदि आपणक जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या, कर्मक्षेत्र नियुक्ति, वैवाहिक समस्या, वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए, ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमको जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र, बुधेश्वरी कॉलोनी, प्लॉट नंबर 26, भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। DTV ओडिया देखिवा पाई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।